लखीमपुर खीरी की घटना के बाद योगी ने खाई कसम, अब 30 दिन में बेटियों को मिलेगा न्याय। आधी रात में हरकत में आए योगी तो आईपीएस संजीव को नहीं आई नींद। आईपीएस संजीव ने रात भर अपराधियों को खोजा। फर्क साफ है, अंकिता का कातिल हंसता है। दो बेटियों के आरोपी कंधे पर टांग कर आते हैं। यूपी में योगी के फैसले से जो तूफान आया वो बाकी राज्यों में सुनामी बनकर दौड़ेगा। आधी रात को योगी ने जो फैसला लिया वो इतिहास में मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। लखीमपुर की घटना के बाद जब विपक्ष जाति का कार्ड खेल रहा था तब योगी उन्हें 30 दिन में न्याय दिलवाने की कसम खा रहे थे। फर्क साफ है, ये तस्वीर झारखंड के अंकिता केस के आरोपी शाहरुख की है जो पुलिस की कैद में हंसता है, मुस्कुराता है और फिर आगे बढ़ जाता है। जबकि दूसरी तस्वीर यूपी के अपराधियों की है जो 12 घंटे बाद इस हालात में मिलते हैं। हालांकि सवाल उठता है कि लखीमपुर में बेटियों के साथ हुआ क्या था, योगी को 30 दिन में न्याय दिलाने का वादा क्यों करना पड़ा। ये 6 आरोपी हैं जिसमें सुहेल, जुबेर और हफीजुर रहमान, जिनके इशारे पर दोनों बहनें घर से निकली। फिर जो हुआ वो एक कहानी नहीं बल्कि एक साजिश लगती है। साजिश की पूरी इनसाइड स्टोरी सुनिए। उससे पहले सुनिए लखनऊ में योगी ने क्या फरमान सुनाया। घटना बुधवार दोपहर से शाम के बीच घटी। उसी दिन शाम में समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से जाति वाला कार्ड चल दिया गया और ट्वीट जाति के लिहाज से लिखा गया। जबकि योगी ने एक्शन लिया और सूरज उगने से पहले आरोपियों को पकड़ने के आदेश दे दिए। रात भर विपक्ष सुबह जाने का प्लान बना रहा था, तब तक जुबेर के एनकाउंटर की तस्वीर आ गई। घटना में शामिल जुबेर, सोहेल, हफीजुर रहमान, करीमुद्दीन, आरिफ और छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बताते हैं कि घटना के वक्त असल में हुआ क्या था। छोटू नाम का आरोपी दोनों बहनों के गांव का ही है। उसी ने पांचों आरोपियों से दोनों बहनों की मुलाकात करवाई थी। बुधवार की दोपहर लड़कियों के घर पर दो बाइक आती हैं। एक बाइक पर सुहेल और हफीजुल रहमान था जबकि दूसरी बाइक पर जुबेर बैठा था। जुबेर की बाइक पर ही बैठकर दोनों बहनें भरोसे के साथ घर से निकल गई। दोनों बाइक गन्ने के खेत की तरफ गई। दोनों बहनों के साथ गलत हुआ। जब उसका विरोध किया तो तीनों ने मिलकर उनको खत्म कर दिया। फिर लालपुर गांव के दोनों दोस्तों को फोन करके बुलाया। मौके पर मौजूद सभी पांचों आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए कोशिश की लेकिन कानून से बच नहीं पाए। शाम को करीब 4 बजे परिवार के लोग लड़कियों को खोज रहे थे। जब नहीं मिली तो कुछ ही देर बाद 15-20 लोगों ने खोजना शुरू किया। तभी अचानक पेड़ की तरफ नजर गई तो सबके होश उड़ गए। लव जिहाद का एंगल है या फिर नहीं, जांच हो रही है। लखीमपुर के बच्चे बच्चे की जुबान पर यह घटना है। विपक्ष को सियासत का एक मौका मिल गया था लेकिन योगी ने सख्त एक्शन लिया और वो मौका भी हाथ से निकल गया। 25 लाख की मदद के साथ सरकारी नौकरी और जमीन देने का ऐलान किया गया। फिर भी सवाल उठता है, बात अगर शादी की थी तो फिर अपराध का तरीका पेशेवर अपराधी की तरह क्यों चुना गया। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था उससे साफ है कि ये मासूम दिखने वाले लड़के शातिर अपराधी की तरह ट्रेंड थे। गांव में घुसकर दोनों बहनों को ले जाना, फिर मार कर वहां से चले जाना, सबूत मिटाना, क्या इनके पीछे कोई और भी है? क्योंकि हर कोई सवाल पूछ रहा है कि ये हिम्मत आई कहां से। एक नेता सीएम या फिर किसी भी कुर्सी पर बैठता है तो वो पिता भाई परिवार का रिश्ता भी निभाता है। योगी अक्सर ऐसी घटनाओं पर ना सिर्फ दुखी होते हैं बल्कि भावुक भी हो जाते हैं। किसी सीएम को ये कहते शायद ही कभी सुना गया होगा कि हम 30 दिन के भीतर न्याय दिलाएंगे। लखीमपुर की घटना को दलित एंगल से देखने की कोशिश जरूर हुई लेकिन जब एंगल लव जिहाद की तरफ घूमा तो विपक्ष को सांप सूंघ गया। इन आरोपियों की फोटो ना तो मायावती ने पोस्ट की और ना ही अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली, जबकि योगी इनकी तस्वीर पूरे यूपी में लगवाएंगे और घर पर बुलडोजर भी चलवाएंगे। लगता तो ऐसे ही है। जनता कहती है कि फर्क साफ है क्योंकि योगी चाहे
कुछ भी करें, लेकिन अन्याय करने वालों को छोड़ते नहीं है, जैसे कि इस मामले में दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।